आज गुरु नानक पब्लिक स्कूल में 7 नवंबर 2022 को जैसा कि पूरे राष्ट्र में स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अवार्ड दिया गया है और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने भी सेलिब्रेट किया और इन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की थी। इन्होंने बाबा साहब के ऊपर जितने भी क्वेश्चनरी हुई सारे जवाब दिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसोलिडेशन प्राइज भी इनको दिए गए और स्कूल को भी हमने उस श्रेणी में रखा कि ये स्कूल जो है बड़ा अच्छा है जिसने बाबा साहब के ऊपर भी अपने बच्चों को सोशल जस्टिस की शिक्षा देता है। तो आज बड़ा सराहनीय कदम है, ऐसे ही और भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज होते रहेंगे और स्कूल भी करता रहेगा और हम भी सपोर्ट करते रहेंगे। चेयरमैन सर, तो आज बाबा साहब का आज ही के दिन बाबा साहब ने स्कूल में एडमिशन ली थी तो आज हमारे स्कूल में आर्टिकल सोत्रा साहब आए और इन्होंने सभी बच्चों को जागृत किया। इन्होंने अपने से 20 प्रश्न बनाकर लाए क्या कि हमारे स्कूल के बच्चे बाबा साहब के बारे में जानते हैं, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो बच्चों ने जिसका उत्तर नहीं दिया। इनको मैं मुबारकबाद देता हूं अपने स्टाफ को कि इन्होंने बाबा साहब के बारे में बच्चों को जागरूक करके रखा हुआ है। तो मैं समाज को आज ही के दिन खास करके अपने समाज को यही बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा जो है ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो बिल्ली की तरह वो पीछे पीछे भागेगा, वो कुछ बन नहीं सकता। तो इस आपके माध्यम से मैं समाज को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दें, कोशिश करें कि अपने घर में अगर गुर्बत है, गरीबी है, पैसा नहीं है तो 3 टाइम आप खाना खाते हो उसको कम कर दो, 2 टाइम खा लो, 1 टाइम के पैसे बचा करके अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ और कोशिश करो कि उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें ताकि वो भी IAS KS और डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। जय हिंद, जय भारत। रेडी गो।